ये दो सामान मंगाया हुआ है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ उसमें क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में मैंने जो भी मेरा सामान मंगाना रहता है मुझे, वो सारा सामान मैंने अपना मंगा लिया है। जैसे दूध है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये सारा सामान ना मैं सुबह ही ऑर्डर कर देती हूँ, और 15 to 20 मिनट में सामान मेरे पास पहुँच जाता है। तो अभी मैं इसको ओपन करके देख रही हूँ, तो सारा जो भी सामान है ना एकदम फ्रेश है। तो मैं इसको पहले वॉश करती हूँ, वॉश करने के बाद इसको मैं रख देती हूँ साइड में, जिससे इसका पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो ये देखिए इतना सामान मैंने मंगाया। मैंने मेथी मंगाई है, बनाना है, मिल्क है, ग्रेप्स है, कोकोनट वाटर, इतना सामान मैंने मंगाया है। ये मैंने अभी वॉश करके रख दिया है साइड में। तो मेरी जो सब्जियाँ अभी आई थी ना, वो सारी मैंने वॉश करके रख दी है, और अभी मेरा लंच भी बन गया है। और लंच में मैंने बनाया दाल चावल और बनाया बैंगन का भरता, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही दाल, मिक्स दाल बनाई है मैंने आज, और ये रहा बैंगन का भरता। और बैंगन का भरता ना हम हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, इसमें मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है इसलिए। और यहाँ पे हस्बैंड जी कट कर रहे हैं सैलेड। तो अब हम करते हैं लंच, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है सामान। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा लंच वगैरह सब हो गया है, और मेरा जो भी काम रहता है ना दिन का, वो सारा भी हो गया है। और मैंने ना आज दो आइटम मंगाए थे, मतलब कल ऑर्डर किया था और आज मुझे डिलीवर हो गया है वो सामान, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने ये दो सामान मंगाया हुआ है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ उसमें क्या है। ये देखिए, ये कढ़ाई ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे पास कढ़ाई तो थी जो सिल्वर वाली रहती ना, वो वाली थी, मेरे पास नॉन स्टिक वाली नहीं थी, तो इसीलिए मैंने मंगाई है इस बार नॉन स्टिक कढ़ाई। और ये रहा इसका लिड, ये ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, देखिए यहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी की है ये, और इसका जो ये बेस है ना, इंडक्शन में भी चल जाएगा ये बेस, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। और इसका ये रहा लिड, और लिड भी अच्छी क्वालिटी का है इसका। तो मेरे पास इस टाइप की कढ़ाई नहीं थी, और मैंने इसीलिए ये मंगाई हुई है। और नेक्स्ट आइटम मैं आपको दिखाती हूँ, ओपन करते हैं पहले। तो ये हैं स्पैटुला सेट हैं पांच, ये पांच का सेट है, ये वुडन वाले हैं, लकड़ी वाले स्पैटुला हैं ये, और इनकी क्वालिटी भी ना काफ़ी अच्छी है, वैसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। और इस वाली नॉन स्टिक कढ़ाई में ना ये वाले स्पैटुला यूज होते हैं, वरना जो कोटिंग होती है ना अंदर की, वो निकल जाती है और वो बिल्कुल अच्छी नहीं रहती हमारे सेहत के लिए। और नेक्स्ट है ये दो, ये इसी के साथ फ्री थे, स्पैटुला के साथ ये वाले स्पैटुला फ्री थे। तो ये ना सिलिकन वाले हैं ये, और ये है ब्रश, ये ऑयलिंग के लिए है। और ये तो ये सबसे ज़्यादा कम अच्छा रहता है नॉन स्टिक बर्तनों के लिए, तो इसीलिए मैंने मंगाए हैं ये। तो ये आ गए हैं मेरे दोनों सामान। तो ये जो कढ़ाई है वो मुझे पड़ी थी 6 to 9 rupees की, और बटरफ्लाई ब्रांड की है ये, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप इसको खरीद सकते हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है ये। और जो ये स्पैटुला सेट है वो 180 rupees के 5 वुडन स्पैटुला है और 2 सिलिकन वाले हैं, मतलब उसमें एक स्पैटुला है और एक ब्रश है, तो आप इसको खरीद सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये दोनों सामान मैंने मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से, दोनों प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। इसमें मैं बनाती हूँ कुछ मीठा, या तो इसमें मैं बेसन का हलवा बनाऊंगी, या तो मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी इसमें, तो बनाती हूँ इसमें कुछ, क्योंकि नए बर्तन की शुरुआत ना हम ऐसे ही करते हैं। पहले भी जब हम मम्मी के यहाँ भी थी ना, में कोई नया बर्तन आता था तो उसमें मम्मी पहले मीठा बनाने को बोलती थी, तो उसमें कभी खीर बनाते थे हम, कभी मीठा ही बनता था उसमें पहले। और उसके बाद भी जब मैं साथ में आई ना, कोई भी नया बर्तन लेके आते हैं हम, तो उसमें पहले मीठा ही बनाते हैं, तो इसीलिए इसमें भी कुछ बनाया जाएगा, पहले मीठा उसके बाद इसमें बनाई जाएगी सब्जियाँ। तो सबसे पहले तो मैं जो भी मेरा सामान आया ना, ये जैसे कढ़ाई और ये स्पैटुला, तो इनको पहले वॉश कर लेती हूँ मैं। तो देखिए ये सारे स्पैटुला मैंने धो दिए हैं, और इनको रख दिया है मैंने इस वाले प्लेट में रख दिया है इनको, और बर्तनों के साथ धो दी है ये कढ़ाई। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ डिनर बनाने की तैयारी। तो ये मेथी मैंने सुबह मंगाई थी, इसको वॉश करके मैंने रख लिया था, और इसके पानी पूरा अभी निकल गया है, तो अब मैं इसको कट करती हूँ। और सब्जी में आज बनेगी मेथी और प्याज की सूखी सब्जी बना रही हूँ मैं, तो इसको मैं अभी पहले क्लीन करती हूँ, फिर मैं इसको कट करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ मैं इसकी सूखी सब्जी, जो काफ़ी टेस्टी होती है।
तो ये देखिए अभी सब्ज़ी बन के रेडी है और ये काफ़ी टेस्टी होती है सब्ज़ी। और कभी मैं और इसकी रेसिपी किसी दिन शेयर करूँगी। और सब्ज़ी बनाने के बाद मुझे बनानी है रोटियाँ। और रोटी बनाने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पे बालकनी में, क्योंकि बालकनी में ना काफ़ी ठंडी हवा आती है, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर नाइट में। और ये देखिए मेरे प्लांट्स ऐसे हो रखे हैं यहाँ पे। तो अभी ना हमारा डिनर भी हो गया है, अवनी का मेरा डिनर हो गया और अवनी को मैंने दूध भी पिला दिया है और मेरा किचन का जितना भी काम है ना वो सारा मैंने कर लिया है। और अब बस ना मुझे जो मैंने सब्जियां धोई थी वो अभी मैंने रखनी है फ्रिज में, तो मैं रखती हूँ उसको फ्रिज में। तो टमाटर और आंवले वॉश करके मैंने एक ही बास्केट में डाल दिए थे, तो जो आंवले हैं ना उनको मैं जिसमें अंगूर आए थे ना उस बॉक्स में डाल ली हूँ, जिससे ना ये फ्रेश रहते हैं एकदम। तो अवनी ना इसमें टमाटर भी मिक्स कर दे रही थी, तो इसलिए मैं टमाटर निकाल ली हूँ और उसके बाद इसमें भर दिए मैंने आंवले। तो ये देखिए अब मैं इनको बंद करके रख देती हूँ फ्रिज में, काफ़ी यूज में आते हैं, तो इनमें छोटा मोटा सामान ना इनमें ही रख देती हूँ जिससे फ्रेश रहता है सामान इनमें। तो अब मैं टमाटर भी रखती हूँ फ्रिज में। तो फ्रेंड्स अभी मेरा सारा काम हो गया है, इस ब्लॉग यहीं पे करते हैं इन और कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।